नेक्स्ट क्वेश्चन 2010 का सवाल है क्वेश्चन से इस पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ अ मास कैपिटल एम सस्पेंडेड फ्रॉम अ स्प्रिंग ऑफ नेग्लिजिबल मास इज टी इफ अलॉन्ग विद इट अनदर मास कैपिटल एम इज़ ऑल्सो सस्पेंडेड टाइम पीरियड ऑफ ऑसोलेशन विल बी नाउ ऑप्शन है टी या फिर टी बाय रूट टू या फिर टू टी या फिर अंडर रूट टी बहुत सिंपल सवाल है थर्टी सेकेंड में इसका आंसर आएगा अगर इस सवाल को हम देखें पहले मैं आपको सिचुएशन बताता हूँ सिचुएशन ये है कि आपकी एक स्प्रिंग है जिसका मासलेस है और उसका के कॉन्स्टेंट है और एम मास हमने यहाँ पर लटकाया हुआ है दूसरे सिनेरियो में यहाँ पे हमने 2m मास कर दिया है स्प्रिंग कांस्टेंट के है तो पहले वाले केस में टाइम पीरियड हम लिखेंगे 2π पाई अट रूट एम बाई के एम वन के दूसरे वाले केस में हम लिखेंगे टाइम पीरियड t2 टू विल बी इक्वल टू ये आ जाएगा आपका 2π अंडर रूट एम टू जो भी आपका मास है एम टू बाय के तो क्लियरली आपका जो टाइम पीरियड है वो अंडर रूट ऑफ मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बिकॉज टू पाई और के यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगे तो अगर हम दोनों को डिवाइड करें तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं टी टू डिवाइड बाई टी वन इसको इससे डिवाइड कर रहे हैं ये हो जाएगा आपका एम टू डिवाइड बाई एम वन बाद में मास इनिशियली पहले वाला मास और टी को टी वन को अगर हम उधर ले जाएँ सो मल्टीप्लाइड बाय टी वन या आपकी टी टू की वैल्यू हो जाएगी बस यहाँ पे हमें डेटा रखना है सो so, आपके टी टू की जो वैल्यू आ जाएगी इसको वैल्यू रखेंगे ये हो गया अंडर रूट ऑफ टू एम डिवाइडेड बाय एम मल्टीप्लाइड बाई टी तो टी टू की वैल्यू हो गई अंडर रूट टू टी सो आपका टाइम पीरियड अंडर रूट टू टाइम्स हो जाएगा या फिर वन पॉइंट फोर टाइम्स हो जाएगा सो बेस्ड ऑन दिस हम कह है सकते हैं ऑप्शन नंबर डी रूट टू टी वुड बी द राइट आंसर